दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। दोस्तों, सर्वप्रथम हम नम आँखों से उनकी आत्मा के शांति के लिए सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रणब मुखर्जी वो एक राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर सन 1935 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था। दोस्तों, किरनाहर शहर के निकट मिराती गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी इनकी माता का नाम था। पिता कामदा किंकर मुखर्जी सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी के साथ 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नेता एवं पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 ईस्वी तक सदस्य भी रहे। वीरभूम यानी पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, सूरी विद्यासागर कॉलेज वीरभूम में शिक्षा पाई इन्होंने, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। उन्हें मानद डीलिट उपाधि प्राप्त किया। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई सन 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके दो बेटे अभिजीत और इंद्रजीत और एक बेटी शर्मिष्ठा, कुल 3 बच्चे हैं। पहले एक कॉलेज प्राध्यापक और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। बांग्ला प्रकाशन संस्थान, देशेर डाक यानी मातृभूमि की पुकार में भी कार्यरत रहे। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 से 1986 तक और 1989 से 2012 तक रहे। अन्य राजनीतिक संबद्धताएं: राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस 1986 से 1979 तक था। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी ए संगमा को हराकर उन्होंने 25 जुलाई सन 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। दोस्तों, हाल ही में प्रणब मुखर्जी की मृत्यु 84 वर्ष की अवस्था में हुई। उनकी मृत्यु R&R हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक 31 अगस्त 2020 को सोमवार के दिन शाम में हुई। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी की किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से लेकर 2012 बहुत मशहूर है। जी का सांसदीय करियर करीब 50 साल पुराना है। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से शुरू हुआ और 1975, 1981, 1993 और 1999 में लगातार चुने गए। सन 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। 1982 से 1984 ईस्वी तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। सन 1984 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में ही यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के पडयंत्र के शिकार हुए, जिसमें उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया।
कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। दोस्तों, पीवी नरसिंह राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त किया। प्रणब मुखर्जी ने नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में सन 1995 से लेकर 1996 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 ईस्वी में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। 1985 के बाद से ही वे कांग्रेस के पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे। सन 2004 ईस्वी में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे, इसीलिए जंगीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश, विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव भी हासिल हुआ। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस संसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाईपास सर्जरी कराई, प्रणब दा विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 10 अक्टूबर सन 2008 ईस्वी को मुखर्जी और अमरीकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1984 ईस्वी में उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्रिपरिषद सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। दोस्तों, सन 1991 ईस्वी से लेकर सन 1996 ईस्वी तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। 2005 के प्रारंभ में पेटेंट संशोधन बिल पर के दौरान उनकी प्रतिभा के दर्शन हुए। कांग्रेस के एक IP विधे में 23 मार्च सन 2005 ईस्वी को बिल को मंजूरी दे दी गई। भ्रष्टाचार पर विचार। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है, लेकिन मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूँ कि ये घोटाले केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे घोटाले हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता उसमें शामिल हैं। तो ये कहना काफ़ी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी। 24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह AK एंटनी ने ली। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर रहे थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। दोस्तों, अगर हम प्रणब मुखर्जी के सम्मान और विशिष्टता की बात करें तो न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 ईस्वी में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। सन 1997 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी इन्हें मिला।
1980 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रणब मुखर्जी को सन 2008 ईस्वी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से नवाजा गया तथा 26 जनवरी सन 2019 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अंत में हम बात करने वाले हैं प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के बारे में। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भारत के वित्त मंत्री के तौर पर 24 जनवरी सन 2009 ईस्वी से लेकर 26 जून सन 2012 ईस्वी तक रहा। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भारत के विदेश मंत्री के रूप में 10 फरवरी सन 1995 ईस्वी से लेकर 16 मई सन 1996 ईस्वी तक रहा। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 22 मई सन 2004 ईस्वी से लेकर 26 अक्टूबर सन 2006 ईस्वी तक रहा और उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 24 जून सन 1991 ईस्वी से लेकर 15 मई सन 1996 ईस्वी तक रहे और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। दोस्तों, ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।